जब बहुत सुंदर अनुभूति करते हैं, जब अपने चित्त को शांत भी करना चाहते हैं और उससे बहुत महान विचारों से भरना भी चाहते हैं, दोनों चीजें जरूरी हैं। दुनिया में आज तक जो योग सिखाए लोगों ने प्रॉपर यूज से, उसमें एक ही लक्ष्य था, मन को पूरी तरह शांत करो, जीरो कर लो। आज तक ये सिखाते हैं लोग, श्वासों पे ध्यान एकाग्र करो, मन शांत हो जाए, मन के विचारों पर ध्यान दो, तुम क्या सोच रहे हो उनको शांत करो। पर कोई भी ये नहीं सिखाता कि मन को शांत करने के साथ मन को महान संकल्पों से कैसे भरो। किसी के पास महान संकल्प है भी नहीं, केवल बाबा ने आप पर हमने महान संकल्प किए हैं। तो देखो कैसे करेंगे, टीचर बहन अपनी अपनी क्लास में कराएगी, किताबशाला वाले भी कराएं। पहला स्वमान लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, जो घर में काम करेंगे 10 मिनट देकर, मैं एक महान आत्मा हूं। अभी आपने लिख लिया, अब इसे 2 बार बहुत गहनता से पढ़ना है। ये सत्य है कि मैं एक महान आत्मा हूं। तीसरी बार फिर, 2 युग मैंने देव कुल में व्यतीत किए, मैं महान हूं। चौथी बार फिर, स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान हो, मैं महान हूं। समझ के क्या करना है, यह अंदर चला जाए, अंतर मन से रिजेक्ट न करते, इसे बाहर ही फेंक दे। सब सर मैं हूं, 21 दिन ये लक्ष्य साफ कर ले, जरा सोई हुई शक्तियां भी जग जाएंगी, सोई हुई महानताएं जग जाएंगी, छुपी हुई पवित्रता बाहर आ जाएगी, सारे सद्गुण जीवन में सह जाने लगेंगे। 21 दिन करके देखो, छोटा सा अनुभव, बहुत बहुत साल पहले गुजरात से एक युवक मेरे पास आया, कुमार वो कहा, उसी ये था चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसने कहा मेरे पास बहुत समस्याएं आ गई हैं, मुझे 1 घंटा चाहिए आपसे डिस्कस करना है। मैंने उसे कहा कि आज तो मेरे पास 1 घंटा नहीं, कल आप मिलना मेरे से और तब तक एक काम करके लाओ, 50 स्वमान के पॉइंट्स लिख के आना। वो अगले दिन आ गया, 50 स्वमान के पॉइंट लिखकर। मैंने पूछा अभी 1 घंटा हमारे पास है, बोलो आपकी क्या समस्या है। उसका उत्तर था, क्या होगा, मेरी कोई समस्या नहीं लगी। समस्या क्या है, समस्याएं कुछ नहीं है, कमजोर मन की रचना है।